नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भिवानी पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुना नहीं बल्कि उनके खर्चे दोगुना कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने का वादा बीजेपी का सबसे बड़ा जुमला था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पूरे देश की नजर एमएसपी का कानून बनाने के लिए कमेटी गठन पर है। दीपेंद्र ने कहा कि ये सरकार एमएसपी का कानून नहीं बनाएगी तो कांग्रेस सरकार बनने पर एमएसपी का कानून प्राथमिकता के आधार पर बनाएगी। आप देखिए, खाद की कीमतों, खाद के कट्टे का रेट लगभग डेढ़ गुना और वजन 5 किलो कम। आप डीजल का भाव देखना, आप ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट्स पे जो जीएसटी जिस तरह के लगाएगी उसको आप देखिए, तो खर्चा तो बढ़ा किसान का लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। जिस हिसाब से, जिस अनुपात में किसान की एमएसपी में वृद्धि होनी चाहिए वो हुई नहीं। किसान पर कर्जा पूरे देश में लगभग दुगना हो गया, ये भारत सरकार के आंकड़े तो ये बड़ा जुमला है। ये 22 आ गया तो ये जो एक और जुमला था, इसकी भी जो है ये भी बात लोगों के सामने आ गई। किसान की आय दुगनी होने की बजाय किसान का खर्चे और किसान पर कर्जा दुगना हो गया, तो इस बात को लेकर लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की। मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वो जनता के फोन उठाकर उनका जायज काम करवाने में आदत में शुमार करें, अन्यथा खैर नहीं होगी। जिला कष्ट निवारण समिति में 16 शिकायतें आई थी जिनमें से 13 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। बाकी 3 शिकायतों का निवारण अगली बैठक में होगा। मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश भर के आंगनबाड़ी वर्कर्स की अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग भी करवाई गई थी और काफी मांगे थी जिनको माना गया। कि जो बैठक है उसमें 16 शिकायतें थी तो 16 में से 13 तो मतलब यहाँ पर उनकी सुनवाई की गई है और मौके पर उनको फाइल किया गया है। बाकी की 3 बची हैं उनको अगले इसमें उसको किया जाएगा और जो सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे उनको भी आदेश निर्देश दिए गए हैं। इस तरह का कोई है तो उसको ज़्यादा से जल्दी से जल्दी करने का काम करें। 8 जनवरी को कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होगी, जिसको लेकर बीजेपी सांसद नायब सैनी ने रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलकर विचार विमर्श किया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कैथल रैली में लाखों का जनसैलाब उमड़ेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। नायब सैनी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हरियाणा में विकास की गति तेज हुई है। चीका विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से आज बैठना हुआ है। 8 जनवरी को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी कैथल में एक हरियाणा प्रगति रैली, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। पिछले 7 वर्षों में जो हरियाणा प्रदेश की एक विकास की गति बड़ी तेज़ी से हरियाणा के अंदर चली थी, पीछे क्योंकि 2 वर्ष ये कोरोना का कार्यकाल रहा, क्रूशियल समय रहा, उस क्रूशियल समय के अंदर विकास की गति कुछ धीमी पड़ी थी, वो गति धीमी ना हो और हमारे इस कैथल जिला के अंदर जो भी नए कार्य हैं या पिछले कार्य चले हुए थे उन सब कार्यों को गति देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को यहाँ पर कैथल में आ रहे हैं और उसी निमित्त ही आज चीका के सभी कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और उन सबकी ड्यूटियाँ लगी हैं। 1 जनवरी से जिस व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी उसे सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार के नो वैक्सीन नो एंट्री नियम के चलते गुरुग्राम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें लगी। हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी से नो वैक्सीन नो सर्विस के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें, इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया कि 1 जनवरी से जिस व्यक्ति को दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगी होगी तो उसकी रेलों में, बस में, मेट्रो में या किसी मॉल में, बाजार में या किसी भी सरकारी केंद्र पर किसी भी तरह की उसके लिए सर्विस नहीं रहेगी। वो लोग वहाँ पर उनको नहीं आने दिया जाएगा, एंट्री बैन रहेगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ लगने लगी है। हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में अब तक अगर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 43 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। हालात ये थे कि कुछ दिन पहले तक वैक्सीनेशन सेंटरों पर
कतारें नहीं थी, बल्कि घर घर जाकर के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब क्योंकि सरकार का ये ऐलान आया तो उसके बाद यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। तमाम जगहों पर आप देखेंगे इस तरीके की कहीं ना कहीं नाराजगी भी लोगों के अंदर, निराशा इस तरीके की कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके तुरंत वैक्सीन लगाने की होड़ जो है लोगों के अंदर है। लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों पर जो लोगों की जो कतारें हैं वो भी बढ़ रही हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 43 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन लंबी संख्या में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन की जो डोज है वो नहीं लगाई थी। हालांकि लंबी कतारों में कई घंटों के इंतज़ार के बाद उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप कब से खड़े हैं कतार में यहाँ पर वैक्सीन के लिए? आधा घंटा हो गया जी। ये आपकी पहली डोज है या दूसरी? फर्स्ट डोज। तो आप क्या कारण कि पहले नहीं आए? तो आप देख सकते हैं कि पहली डोज लगवाने के लिए लोग आए हैं। हालांकि 84 दिन का ये अंतर है और एक एक घंटे में अगर नंबर आता है, पहली डोज अभी लगवाने के लिए लोग आए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बेहतर फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना को हराया जा सके, इन आंकड़ों को ख़त्म किया जा सके, इसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको दोनों डोज नहीं लगी होंगी, उसकी मॉल्स में, मेट्रो स्टेशन में, रेल में, बस में एंट्री नहीं रहेगी। उसके बाद ये हालात है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो सेंटर्स में आ रहे हैं जिनको पहली डोज लगवाने के लिए आप आ रहे हैं, यानी कि अब तक वो लोग कहीं ना कहीं वैक्सीन से दूर थे। अब जब सरकार का यह फैसला आया नो वैक्सीन नो सर्विस का, तो उसके बाद मजबूरन ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। सोनीपत पुलिस प्रशासन ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती से निपटने के लिए विशेष टीम तैयार की गई। जिले में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नए साल पर लोग रात 11 बजे के बाद सिर्फ घरों पर ही पारिवारिक पार्टी कर सकते हैं और सामूहिक पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। तो वहीं मुरथल के ढाबे पर भी रात के समय डीजे पार्टी पूरी तरीके से बंद रहेगी। नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात 11 बजे के बाद कहीं भी घूमने की इजाजत नहीं होगी। सामूहिक पार्टियों में भी 50 से कम लोगों की संख्या होनी चाहिए। मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए। रोहतक में कोरोना काल में लोगों पर सख्ती के बाद अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है। जिले में दोनों डोज का आंकड़ा 96% पहुंच गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने बिना वैक्सीन वाले लोगों को सार्वजनिक जगहों पर 1 जनवरी से प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अस्पतालों में टीका लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पुलिस और प्रशासन नए साल के जश्न पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ साथ आमजन से जश्न अपने घरों में ही मनाने की अपील कर रहा है। तो वहीं नियमों की पालना नहीं करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की भी बात कही है। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन ने झज्जर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने गांधीगिरी अपनाते हुए दुकानदारों और आमजन को नए वेरिएंट के मद्देनजर सतर्कता बरतने की अपील की और मास्क पहनने के लिए चेताया। करनाल में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार कड़ा रुख अपना रही है। करनाल नगर निगम के दफ्तर में चल रही घूसखोरी के खेल का वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने वीडियो में दिखाई दिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दीपक किंगर को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोपी में घिरे 2 कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। जिला उपायुक्त ने घूसखोरी का वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की जाँच किए जाने की बात कही है। बता दें कि नगर निगम करनाल के सीनियर अधिकारी दीपक किंगर के दफ्तर में पैसों के लेन देन की आधा दर्जन से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इन्हीं वीडियो के दम पर निगम के 2 कर्मचारी अपने एसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। वायरल हुई वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विभाग के अधीन काम करने वाले ठेकेदारों और अन्य लोगों से पैसों का लेन देन कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें दीपक लोगों से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने
इस तरह की एक्टिविटीज की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें 17 तारीख को थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ था। हमें कंप्लेंट मिली थी, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं यहाँ के नगर निगम के दीपक किंगर जी, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। कंप्लेंट ये थी कि कोई अननोन नंबर से उनके पास कोई लड़का वीडियो भेज रहा है लेन देन की, और उसको धमकी दे रहा है कि हमें पैसे दे दो अदरवाइज ये वीडियोस वायरल कर देंगे। तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था, और फिर उसकी तफ्तीश के दौरान हमने दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक लड़का इसी ऑफिस में काम करता है। सिरसा के बरनाला रोड स्थित जिला कारागर में एक हवालाती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जेल प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पलवल के खटेला सराय गांव में 8 से के बच्चे का शव बरामद हुआ है, जो पिछले कई दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना यहां पर चोरी की अजीब गरीब वारदात सामने आई है। अब हुड्डा सेक्टर 17 मार्केट से दर्जनों दुकानों की छतों पर लगे एसी के तांबे के तारों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। अंबाला में श्री शिरडी साई पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शोभा यात्रा के आयोजकों का धन्यवाद भी किया। कुछ लोग इससे भी आगे सोचते हैं, वो सबके लिए, दुनिया के लिए, हर गरीब के लिए, हर मजबूर के लिए, हर जरूरतमंद के लिए भी मांगते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगते। एक अच्छी प्रथा है हमारे धर्म में, सर्वधर्म संभाव जो हम कहते हैं। कुछ लोग इससे भी आगे सोचते हैं, वो सबके लिए, दुनिया के लिए, हर गरीब के लिए, हर मजबूर के लिए, हर जरूरतमंद के लिए भी मांगते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगते। एक अच्छी प्रथा है हमारे धर्म में, सर्वधर्म संभाव जो हम कहते हैं, और जो गायत्री मंत्र का हम पाठ करते हैं, सोच और ऐसी साई की कृपा जो है वो हमें भवसागर से पार लगा सके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने बीच बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बनूं। मैं परमात्मा से दरख्वास्त करती हूं कि जिस तरह से इतने वर्षों से आपकी ये शोभा यात्रा नियमित रूप से चल रही है, आगे भी इसी तरह चलती रहे, और मेरा और मेरे परिवार का किसी रूप में, जिस भी रूप में आप चाहेंगे, हम आपके साथ हैं, योगदान भी है। जैसे विनोद जी ने आपसे कहा, हमारे पूरे परिवार का साथ भी आपके साथ है। जैसे साथ आप लोग ने हमारा दिया है, हम भी आपके साथ हर कदम पे हैं, कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। गरीब बच्चों को 134A के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने के चलते फरीदाबाद में अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अभिभावकों का यह आरोप है कि अधिकारी कमेटी बनाने तक ही सीमित हैं। निजी स्कूल संचालक भी उनकी नहीं सुन रहे। नंबर आने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।
स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर 134 ए के तहत का मामला पूरे हरियाणा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, अधिकारियों की तरफ से कमेटी बना दी गई है, लेकिन बच्चों को उसका फायदा या उनके अभिभावकों को अभी तक उसका फायदा नहीं मिला है और कमेटी खेला जा रहा है। इसको लेकर ये तमाम जो पेरेंट्स हैं ये डीसी ऑफिस पहुंचे हैं अधिकारियों से मिलने के, क्योंकि काफ़ी दिनों से परेशान हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। डीसी ऑफिस पहुंचे किस लिए? क्या बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ? नहीं सर, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ सर। हाँ, एडमिशन होना था, क्यों नहीं हो रहा है सर? हमने जो फॉर्म भरा 134 के तहत, तो हमने फॉर्म भर के बच्चे को सर पढ़ाया लिखाया, छोटा सा मेरा बच्चा है सर, और इसका एडमिशन आ गया डीपीएस में सर। 100 में से 95 नंबर लाया सर कहते हैं, और फिर भी हम थके खा रहे हैं सोलजिन से सर कहते हैं। अधिकारियों से मिले हैं, क्या कह रहे हैं अब? अधिकारी सर कह रहे हैं कि हो जाएगा, आप चिंता मत करो कहते हैं। आजकल 16-17 दिन से घूम रहे हैं सर। कृपया बताइए, कमी किसकी है? निजी स्कूल की कमी है या सरकार की कमी है या अधिकारियों की कमी? स्कूल वाले इनकी कमी है जी। जब ये ऊपर से मंजूर हो चुके और सारे कागज दे चुके, तो क्यों नहीं बच्चे इनको दाखिला मिल रहा? ये बताओ मुझे, क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है? और क्या हो रही है जी सर? 15 दिन से धक्के खा रहे हैं जी, और कभी इधर कभी उधर, बच्चों की टीसी कटवा दी, बच्चे तो हो गए ना घर से बेघर, नहीं तो उधर पढ़ पा रहे नहीं उधर पढ़ पा रहे। अग्रवाल पब्लिक स्कूल मछगर में आया हमारे बच्चे का, एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। जाते हैं हम, घूमते हैं, काम धंधा छोड़ के ठंड में घूम रहे हैं, 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं सर। कोई तो रिस्पॉन्स दो, पक्का बता दो हमें कि हमें एडमिशन लेना नहीं है। अब कह रहे हैं सीट नहीं है, क्या करें हम, कब तक घूमें बताइए। अधिकारी क्या कह रहे हैं फिर? सर अधिकारी जी, हम एडीसी साहब से मिले हैं, वो भी हमें सिर्फ यही आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, कोई लास्ट डेट नहीं है, हम करा देंगे, बस यही आश्वासन है। ये 24 तारीख को हो जाना चाहिए था, डेट 31 कर दी, उसके बाद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कंटिन्यू 16 दिन हो चुके हैं। क्या लगता है जिस तरह से डिले हो रहा है, अब क्योंकि दिसंबर का एंड आ गया, नई साल लगने वाली है, तो क्या बच्चों की पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क तो पढ़ाई है जी, बच्चे घर पर बैठे हैं, टीसी कटवा रखी है स्कूल। कई तो सर पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से पैसे लेके स्कूलों को फीस पे की है कि चलो खुशी से कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा अच्छे स्कूल में, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बात है। ब्याज पे ऐसे करके पैसे लेके स्कूल को पूरी फीस दी और टीसी ले ली है, क्योंकि स्कूल वालों ने पहले ही बोला था कि टीसी लेके आओ, ये एडमिशन हो जाएगा। अब बच्चे टीसी भी ले ली, बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, उम्मीद है आपको क्या एडमिशन मिले? कोई जो उम्मीद तो पूरी है, मगर जी स्कूल वालों की तरफ से तो ऐसे ही कोई स्पष्ट जवाब नहीं है सर। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद होती तो कुछ ना कुछ हमारे को भी सेटिस्फाइड होना चाहिए था, कोई भी हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हमारे को एकदम हम लोग का मजाक बनाया जा रहा है। स्कूल वाले कहते हैं जी हमारे को कोई मेल नहीं आई है, कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास, आप 28 जाओ। 28 जाते हैं तो जी वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिलता, वहाँ पे पूरा दिन बिता के फिर उसके बाद 16 जाते हैं, फिर 16 से फिर वो कहते हैं जी आपके वहाँ पे फ़ोन हो गया, आप चले जाओ स्कूलों में, स्कूल के पास जाओ, तो फिर वही रोना। अब आपको घुमा रहे हैं, बिल्कुल। ये देखिए, वो तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वो भी 134 ए के तहत, इनको एडमिशन बच्चों को नहीं मिल रहा, कभी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो अधिकारियों की तरफ से बाकायदा कमेटी बनाई गई है, अब इनको क्या उसको राहत इन बच्चों को मिल पाएगी या उनके जो अभिभावक हैं उनको इस बात को लेकर राहत मिलेगी या नहीं, अब ये देखना होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। निजी स्कूलों में चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।